क्या है, हमारे बच्चे के पुराना जुकाम है। अच्छा, तो उसके क्या है, नाके जाम हो जाती है, साइनस प्रॉब्लम है। साइनस की प्रॉब्लम है। देखो अब आप सुनो, मैंने प्रारंभ में जैसे बताया था, एक तो अपना इनहेलर है, दिव्य फार्मेसी का इनहेलर है अपना नेचुरल, तो उसको नाक में थोड़ा सुंघा दिया करो। और एक आप तो कोटा के हो ना, तो कोटा और राजस्थान में और पूरे हरियाणा आदि और यूपी बिहार आदि सब जगह सरसों का तेल का बहुत इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल थोड़ा गुनगुना करके और नाक में डाल देना। और ये इन्हेलर जो मैंने अभी बताया था, एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये इन्हेलर बहुत ज़बरदस्त है, इसको सूंघा देना। और दिव्य धारा उसको भी सूंघ सकते हैं और उसको भी गर्म पानी में डाल के उसको भाप भी ले सकते हैं। ये इन्हेलर ऐसे ना नेचुरल इन्हेलर है ये दिव्य फार्मेसी का, इससे नाक खुल जाती है। लगातार थोड़े दिन उनको, थोड़े दिन च्यवनप्राश दे दीजिए, दूध भी दे तो थोड़ा हल्दी मिला दीजिए, उनको थोड़ा प्राणायाम करा दीजिए। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, भस्त्रिका कपालभाति तो बच्चे आराम से कर लेते हैं ऐसे ही, बस कहीं पर भी बैठ के किया जा सकता है। भस्त्रिका लंबे श्वास, कपालभाति हो सके तो अनुलोम विलोम और करा दीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम 100% अच्छा हो जाता है। और बच्चों को बचपन में एक बार शुरू हो गया तो ज़िंदगी भर ये परेशान करता है। आपका बच्चा एक दो महीने में 100% अच्छा हो जाएगा, एक दो दिन में उसको लाभ हो जाएगा, 10-15 दिन में लगभग ये प्रॉब्लम उसकी समाप्त तो हो जाएगी। कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से उसके फेफड़े बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और ज़िंदगी भर के लिए वो बच्चा चंगा हो जाएगा।